किसी दो आदमियों को सस्पेंड करने से ये चोरी खत्म नहीं होती। मुझे अगर 5 साल से सैलरी नहीं मिली तो मैं इंश्योरेंस और पोल्यूशन कहां से करवाऊं? जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला। आज हम एक आपको कहानी बताते हैं, और कहानी अमृतसर में गेहूं घोटाले को लेकर। तो गेहूं घोटाले को लेकर हमने कहानी बताई थी, और कहानी पहले आप सुन लें। तो ये देख सकते हैं, लाइव भारत ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, और अब मंत्री ने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। तो लाइव भारत का धमाका, लाइव भारत की खबर का असर, क्योंकि अगले दिन यहाँ पे मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने जांच के आदेश दिए थे। इस बात पे उन्होंने पुष्टि की थी ट्रिब्यून अखबार में। तो आप देख सकते हैं, ये आवाज़ उठाई थी जसवंत सिंह ने। तो आज हमारे साथ जसवंत सिंह है, और हम उसी आज डिपार्टमेंट में पहुँचे हैं जहाँ डिपार्टमेंट को लेकर मंत्री को आखिर आदेश देने पड़े और 2 लोग सस्पेंड हुए। तो ये है वो दफ्तर, और इस दफ्तर की कारस्तानी हम आपको बताते हैं। तो आज 2 दफ्तरों की कहानी हम आपको बताएंगे। एक है DTO डिपार्टमेंट, और दूसरा है ये सिविल सप्लाई विभाग। तो हमारे साथ जसवंत जी। जसवंत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा मुद्दा ले लें, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, मंत्री ने सस्पेंड किया, क्या है कहानी, और आप क्या कहना चाहते हैं पूरे सारे मामले में, घटना को लेकर जो अभी अभी 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, और वो कहीं ना कहीं जंडियाला और हेड ऑफिस अमृतसर ही है। सबसे पहले लाइव भारत देख रहे सारे दर्शकों का, और सफ़र जी का, और मनोज भगत जी का धन्यवाद जो इस चैनल को इतना सराहते हैं, सभी दर्शकों के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गेहूं का खेल है नीले कार्ड का, ये आम जो लोग होते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, ये उनके लिए गेहूं जो है केंद्र सरकार और पंजाब सरकार मिलकर ये गेहूं जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। पिछली बार आज से 15-20 दिन पहले जब मैंने ये मुद्दा उजागर किया था इतने बड़े घोटाले का, तब भी मैंने बात की थी कि ये गरीबों का गेहूं है, लेकिन अगर हम गेहूं देना चाहते हैं तो वो लोगों तक सीधा नहीं पहुंच पाता। अगर वो चलता है केंद्र सरकार से 10 किलो के हिसाब से, 100 किलो के हिसाब से, तो वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते या तो उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता है, या उसमें पानी मिला दिया जाता है, पानी लगा देते हैं उसका वज़न बढ़ाने के लिए, और जब तक डिपू पर पहुंचता है डिपू अपनी बात बताता है कि ये गीला था, ऐसे था, वैसे था, और ख़राब किस्म का गेहूं और गीला गेहूं और कम तोला जाता है डिपू तक पहुंचते पहुंचते। तो ये बार बार मैं बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी मिलीभुगत है। अगर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार चाहती है लोगों को कुछ सीधा देना, तो वो उनका सीधा, वो जो आधार कार्ड से उनके बैंक अकाउंट लिंक हैं उनमें सीधा पैसा इसलिए नहीं भेजती, क्योंकि वो चाहती है कि जब तक लोगों पर सामान पहुंचे तब तक उसमें से हिस्से जो हैं वो बढ़ते जाए। बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी और डिपू तक इस गड़बड़ घोटाले में बराबर के जिम्मेवार हैं। किसी 2 आदमियों को सस्पेंड करने से ये चोरी ख़त्म नहीं होती, इसका मायाजाल बहुत बड़ा बुना हुआ है, और लगातार गरीबी रेखा से हेठां रहने वाले, नीचे रहने वाले लोगों के लिए ये लगातार जो है मिली भुगत करके लोगों की कनक को, लोगों के अधिकारों को चूना लगाया जाता है। आपने ये कैसे, इस घोटाले की कैसे आपके तक आई बू, और क्या किया आपने इस घोटाले? आप कहते हैं कि ये घोटाला मैंने उजागर किया, आपने क्या उजागर किया, क्या हुआ, कैसे उजागर किया? 2,70,00,000 लोग जो हैं वो पंजाब के वसनीक हैं, ठीक है। तो उसमें से जो आंकड़ा है 80% लोगों का जो गेहूँ लेते हैं, तो जो गेहूँ लेने वाले हैं वो गेहूं लेने वाले कम से कम 2 करोड़ लोग हैं। तो 2 करोड़ लोगों तक ये जो सीधे सीधे जो इसका बेनिफिशरी हैं, बेनिफिट्स जो पहुंचने होते हैं वो पहुंच ही नहीं पाते। वो क्या होता है कि कभी कंप्यूटर में कुछ घोटाला है, कभी मशीन पे घोटाला है, कभी डिपू वाले की तरफ से घोटाला है। तो लगातार जो इसको मिलजुल के और मिली भगत से इसको लगातार जो है अंजाम दिया जाता है, और लोगों के पैसे को, लोगों की सब्सिडी को चूना लगाया जाता है, और इसी के जरिए सरकार के बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, काली भेड़े हैं, वो अपना पेट भरने का काम करती हैं। यही तरीका है लोगों के पैसा, जो लोगों का टैक्स का पैसा है, उसको चपत लगाने के लिए ये जो बड़े बड़े अधिकारी रखे हैं इसी काम के लिए रखे हैं। ये इसी का पैसा जो है वो सब
गैर कानूनी कामों में लगा। मैंने आपने सवाल किया था, आप सवाल का जवाब भटक जा रहे हैं बार बार। मैंने कहा था कि आप कह रहे हैं कि ये खुलासा मैंने किया, क्या आपने खुलासा किया, क्या हुआ मंत्री तक? आप कह रहे हैं खुलासा मैंने किया तो बात ऊपर तक पहुंची। जैसे जैसे लोगों की कंप्लेंट्स हम तक पहुंचती है कि हमें गेहूं कम मिला है, हमें ये नहीं मिला, हम पांच आदमी हैं, तीन का मिलता है, तो वो जो गेहूं कम हो जाता है, जब हम उसकी पुष्टि करते हैं, पूछते हैं बार बार DFSC अमृतसर से, DFSO से, डिवीजनल मैडम रजनीश कुमारी जी से, और जो इसके सेक्रेटरी हैं तिवाड़ी जी से, और मंत्री भारत भूषण आसू जी से भी मैंने इसके रिगार्डिंग बात की थी, तो कोई भी इस बात की जिम्मेवारी नहीं लेता। और जब ये जिम्मेवारी अब तो दो सस्पेंड कर दिए हैं, अब तो जिम्मेवारी ले ली, दो सस्पेंड हो गए। ये खबर हमने अपने आवाज़ उठाई, हमने खबर दिखाई लाइव भारत पर, उसके बाद में लाइव भारत पर ये डेट 26 तारीख को दिखाई गई थी, और 28 डेट को अमृतसर में ग्रेवेंस कमेटी की मीटिंग थी। ओपी सोनी जी उसको देखते हैं क्योंकि वो अमृतसर के मंत्री हैं, और उन्होंने ट्रिब्यून अखबार में इसको छापा था, जसवंत सिंह का नाम भी उसमें उन्होंने उजागर किया था कि इसकी तरफ से जो कंप्लेंट है उसकी तरफ हम पूर्ण ध्यान देंगे और आगे से कोई भी गड़बड़ घोटाला जो है वो नहीं होगा। और 15 दिन के करीब, अभी तुम आप समझ लेंगे, 15 दिन हुए हैं, और 15 दिन में इन्होंने ये उजागर कर दिया कि 20 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो सरकार मान चुकी है, और हम चाहते हैं कि ये 20 करोड़ तक सीमित नहीं है, ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है और हर डिपार्टमेंट ऐसा ही कर रहा है, तो हमें थोड़ा जागना होगा, हमें जागना होगा। तो फिलहाल हम आपको पहले दिखाते हैं, ये सबसे कमाऊ पूत की ये हालत है, यहाँ पर नगर निगम मतलब स्मार्ट सिटी का ये यहाँ पे है, ये ऑफिस है, और सिविल सप्लाई का ऑफिस है, इधर DTO का ऑफिस है, और इधर पुलिस की भी एक कमान है, CID कमान है। तो ये हाल है। अब हम दूसरी बात करते हैं, यहीं पर DTO का ऑफिस है, DTO ऑफिस में आखिर कितना अच्छा काम चल रहा है, उन अच्छे कामों के लिए हम आज जसवंत जी से बात करेंगे कि वो कोई ऐसी बात हमें सबूतों के आधार बताएं कि DTO विभाग में इतने अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं। DTO विभाग के कुछ कारनामे बताइए, अच्छे कामों के बारे में बताइए। बहुत अच्छे काम हैं जी इनके। 15 अगस्त नज़दीक है, अगर कोई घर से निकलता है तो हर एक चौक पे पुलिस का नाका है, जहां हर जगह एक आम नागरिक जो है, जो भारत का वसनीक है, उसे जगह जगह पुलिस खड़ा करके तंग परेशान कर रही है कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाए जाएं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है RC की। तो जो RC है उसका गड़बड़ घोटाला मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक RC मेरे पास है, ये RC है निर्मल सिंह के नाम से। ये देखिए, आपका कैमरा मैन मैं इसको बोलूँगा कि दिखाए। ये इस गाड़ी का नंबर है PB02BH6652। अब जब पुलिस रोकती है तो पुलिस हमारी भारत की जो हो चुकी है डिजिटल, तो वो अपना मोबाइल निकालते हैं, परिवहन की ऐप निकालते हैं और उसमें नंबर डालते हैं। अब ये गाड़ी प्लैटिना है, प्लैटिना गाड़ी है, लेकिन जब उसको नेट पे डालते हैं तो वो पल्सर बोल रही है। अब RC निर्मल सिंह के नाम पे है तो इनके कंप्यूटर में बोलती है तरसेम लाल के नाम से। अब इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला और पुलिस को तो कुछ दिखाई देता नहीं, पुलिस को तो जो दिखाई देगा वही करेगी। पुलिस जो आम नागरिक जा रहा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो दुकानदार है, पुलिस बोलती है ये गाड़ी चोरी की है। कुलदीप कौर सब इंस्पेक्टर बस अड्डा गोरा हलवाई की दुकान पे एक नाका लगाया, किसी के गेस्ट आए थे गोइंदवाल से, उनको गाड़ी में बिठाकर चोर बोलकर बस अड्डा कपिल देव वहाँ है इंचार्ज चौकी के, वहाँ बंदों को पकड़ कर ले जाती है कि ये गाड़ी चोरी की है, उनको अंदर डाल देती है। अब ये बताओ कि नलायकी है ये RTA विभाग की, तो आम आदमी का इसमें क्या कसूर है? क्यों आम आदमी को चोर बोलकर पुलिस उससे ऐसा व्यवहार करती है? RC से आगे अगर बात करते हैं इंश्योरेंस की और पॉल्यूशन की, जहां तक भारत का सवाल है, भारत एक गरीब देश में आता है, अगर किसी के पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, ड्यू टू कोरोना हर काम बंद है, मान लो कोई अध्यापक है, मैं अध्यापक हूं, तो मुझे अगर 5 साल से सैलरी नहीं मिली तो मैं इंश्योरेंस और पॉल्यूशन कहां से करवाऊं? तो ये जो बोल रहे हैं कि चेकिंग अभियान है, चेकिंग अभियान नहीं, ये लूट अभियान चल रहा है।
तो ये लूट अभियान में सबसे ज्यादा जो है वो खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है, और इसका जुम्मेवार जो है ये डीटीओ विभाग है, जिसकी नलायकी, जिसके जो कर्मचारी हैं जिनकी गलतियों का खामियाजा एक आम आदमी भुगतता है। क्यों कोई पुलिस वाला किसी आम नागरिक को चोर बोलता है कि ये गाड़ी चोरी की है? जब इसकी जांच करवाई गई, इस कॉपी की जांच करवाई गई, तो ये कॉपी निर्मल सिंह के नाम से ही बोलती थी, लेकिन जो मानहानि हुई, किसी के गेस्ट आए हुए थे, जो उनकी मानहानि हुई, जो उनको चोर बोलकर थाने में बिठा दिया गया, तो उसका केस किसके पास रजिस्टर्ड कराएंगे? मानहानि का दावा कर दीजिए, मानहानि का सच में दावा क्यों नहीं करते आप? सफर सर मुझे ये बताएं, कितने लोग भारत में जागरूक हैं अपने अधिकारों के लिए? कौन धक्के खाएगा आरटीए ऑफिस में इस कॉपी को ठीक कराने के लिए, और कौन इन पे मानहानि का? जहां लोगों का रोजगार नहीं, रोटी नहीं, हाई कोर्ट बंद, सेशन कोर्ट बंद, तो हम कहां जाकर अपनी फरियाद ले जाएंगे कि ये पुलिस वाले ने हमको ये बोलकर बिठा लिया कि आप ये गाड़ी चोरी की लेके आए हो? कहां जाएंगे? छोड़ा कैसे? कहानी खत्म नहीं, छोड़ा कैसे? छोड़ा ये कि सब कुछ तस्दीक करने के बाद पता लगा कि जिस आदमी के नाम पे ये गाड़ी है वो रेल का एक अधिकारी है और रिटायर्ड है, उसकी जामनी ली, उसने सब कुछ लिख के दिया, उसके बाद उन बंदों को छोड़ दिया गया, और जब आके आरटीए ऑफिस में इसकी तफ्तीश हुई तो उस बंदे के नाम पे ये जो मैनुअल रिकॉर्ड था 2010 का, उसके अधीन ये जो आरसी थी वो उसी बंदे के नाम बोलती थी। इस आधार पर किसी ऑफिस में आग लगाई गई, ऐसे कहीं ना कहीं पुराना दो नंबर का माल दो नंबर के कारनामे छुपाने के लिए आग लग जाती, माल नष्ट हो जाते, तो फिर क्या करते? फिर तो आप चोर। ये नलायकी है आरटीए ऑफिस के कर्मचारियों की। कर्मचारियों ने जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा आम आदमी को चोर बनकर भुगतना पड़ रहा है। मेरी डीसी साहब से और मंत्री साहब से ये गुजारिश है कि जो ये गलत नाम चढ़ गए हैं लोगों के, हज़ारों केसेस ऐसे हैं, उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस ना बनाया जाए, आसान सा एक प्रोसेस बनाकर लोगों के नाम जो परिवहन की जो ऐप है उस पर ठीक किए जाएँ, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को जो मुश्किलों का सामना ना। गलती डिपार्टमेंट की आपने, इनको जब शिकायत की तो क्या बना? शिकायत की आपने तो क्या बना? जब मैंने शिकायत की तो कम से कम इस बात को 7 से 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, और इनकी तरफ से कहना है कि ये हमारा काम नहीं है, इसको मॉडरेट बोलते हैं, इसके लिए आपको चंडीगढ़ एक मेल आईडी देंगे, वहाँ आपको मेल करनी होगी, एक प्रफार्मा भरना होगा। अगर एक और जरिया बताया था कि अगर आपका गलत हो जाता है तो आपको सेवा केंद्र जाना होगा, सेवा केंद्र में जाके इंश्योरेंस की कॉपी, ये कॉपी, वो कॉपी दिखानी होगी। मुझे आप ये बताएं कि जो लोग अपनी आरसी नहीं लेने जाते वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कैसे मेल करेंगे? गलती किसकी और खामियाजा कौन भुगते हैं? गलती आरटीए डिपार्टमेंट की और खामियाजा आम जनता, भोली भाली जनता, अनपढ़ जनता, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे। तो कुल मिला के ये कहानी है आरटीए के। तो आरटीए की अगर गाड़ी होती तो उसमें ऐसे दस्तावेज होते और उनको कोई चोर कहता तो क्या फिर उनके दिल में क्या लगती, क्या चुभती? फिलहाल हमने आज दो विभाग एक एक साथ हैं। एक हमने फूड सप्लाई विभाग की कहानी बताई कि किस तरह से हमने उजागर किया था, लाइव भारत ने उजागर किया था, उसके बाद में अब मंत्री ने आदेश दे दिए हैं तो करोड़ों का गबन है। और दूसरी कहानी थी ये आरटीआई विभाग की। तो किस तरह से हमने आपको बताया कि इन दोनों विभागों में कितनी अंधेर गर्दी है, तो इसकी जीती जागती मिसाल और सबूत हमने आपको पेश किए। आप भी अपनी राय दें कि इन दोनों विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। सुना है कि इस विभाग में जो पीए लेवल के जो दलाल लोग हैं उनके पास तमाम ऐसी गाड़ियाँ हैं, तमाम ऐसे बंगले हैं, और यहाँ तक कि जो अधिकारियों के गनमैन हैं उनकी कई कई कोठियाँ हैं, और वो लाखों में सूद का व्यापार भी करते हैं। ऐसे चर्चाएँ भी हैं, चर्चाएँ तो यहाँ तक भी हैं कि यहाँ पर एक मुंशी लेवल का बंदा करोड़
सभापति है और वो सबसे बड़ी बात है कि उसकी नियुक्ति यहीं पे रहती है, सरकार किसी की भी हो, किसी की हिम्मत नहीं है उसको टस से मस कर दे। वीआईपी नंबरों का शौकीन है और वो वीआईपी नंबरों का शौकीन होने के नाते नाते उसकी कई कोठियाँ हैं। हमने पहले भी मैंने कई बार उनके कारनामों को उजागर किया। फिलहाल आरटीआई विभाग है तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं दलदल में है। इस दलदल में कैसे ईमानदारी का फूल खिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये दोनों घटनाएं हमने आपके सामने रखी हैं। आप ही तय करें कौन सच्चा कौन झूठा, जनता करे फैसला। जय हिंद, जय भारत।